ऐसे सोता हूँ। वो, वो किधर चले पापा किधर जात-पात को मानते हैं ना हम लोग गौ माता की अबे सांडू मैं पानी का मग लेके मेरी मौत का तमाशा देखने संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे फिर से थक गया ऋष भक्त एंड फैमिली व्लॉग्स नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है नोबिता भट्ट की नई वीडियो नए व्लॉग में ये मेरा पहला व्लॉग है ये मेरा डेली रूटीन है तो फिलहाल मैं सो रहा हूँ और ये है मेरी प्रभ माँ जो कि मेरे मनुष्य जीवन की माँ है जो कि मेरी रियल माँ नहीं है मैं इनका अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ और मैं ऐसे सोता हूँ कहते हैं कि जो डॉग ऐसे सोता है तो वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है अपने पेरेंट्स के साथ वैसे इन्होंने बहुत कोशिश की मेरे लिए अलग बेड भी ले रखा है मेरे कपड़े वहाँ मैंने उतार के फेंक रखे हैं मगर मेरे को इन्हीं के साथ सोना पसंद है और मैं इसी तरह घोड़े बेच के सोता हूँ इनके साथ बाकी लोग विरोध भी करते हैं कहीं कि ऐसे मत सुलाया कर मगर मेरी क्यूटनेस के आगे ग्रीश पापा और परम मम्मी हार जाते हैं आपको मैं अभी अपने खराटे सुनाता हूँ ये मेरे ऐसे खराटे भी सुनते हैं सारी रात इधर उधर सोने के बाद सुबह के बज गए साढ़े सात और ये मेरे सैर पे जाने का टाइम है मगर मेरे को बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही है बाहर ठंडा मौसम शुरू हो गया है तो मेरे को ना ये वाले कपड़े पहना देते हैं पापा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मगर पहनने पड़ते हैं क्योंकि बाहर जाना है घूमना है सैर करनी है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ बाहर जाने के लिए कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के मैं तैयार हो गया हूँ कितना पापा कितने जिद करके दिखाता हूँ ऐसे ऐसे तो इसको देख के तो घूमने जाने वाला ही हूँ <laughs> चलो चलिए चलो 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 मेरे को लेके चलो ना मुझे ये पट्टा पहनाना भी कोई आसान काम नहीं है पहले मेरे को उठाना पड़ता है फिर मेरी टांगे इसमें डालनी पड़ती है फिर ये बांधना पड़ता है तब जाके कहीं मैं रेडी होता हूँ मगर ये अच्छा है कम्फर्टेबल है मेरे को मजा आता है बाहर मेरा इंतजार काली कर रही होती है ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है मैं भी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मगर हमारा प्यार थोड़ा अधूरा सा रह गया क्योंकि हमारी जनरेशन अलग है जात पात को मानते हैं ना हम लोग भी इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती तो मैं अब आगे भाग रहा हूँ काली से दूर अब मैं घूमने जाऊंगा मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है घूमने की और इस घर में ना एक डॉगी रहता है मैं यहाँ से निकलता हूँ वो मेरे को भोंकता रहता है ये देखो छोटू सा खुद है और मेरे को भोंक के डराने की कोशिश करता है आगे रिवल गैंग भी खड़ा है मगर मैं इनसे डरता नहीं हूँ क्योंकि ग्रीश पापा मेरे साथ है तो ये मेरे को कुछ भी नहीं कहते हैं बल्कि मेरे को प्यार ही करते हैं सारे डरते हैं ना मेरे पापा से जय गौ माता की रोज सेम जगह ही लेके आ जाते हैं पापा सड़क के किनारे यहाँ पे कभी पहाड़ों में लेके जाओ तो मजा आए सुसु करने के बाद ना हम पैरों को इस तरह झटकते हैं कि हमारा ये सिग्नल और डॉग्स तक पहुंच सके हमारा दुनिया को देखने का नजरिया आप लोगों से अलग होता है हमें कुछ इस तरह की दिखती है ये सारी दुनिया हाय कितना बड़ा सांड, ये तो देखने में ही लग रहा है हाँ निकल। अक्खियां उड़ीक दिया काली ली मेरा इंतजार कर रही थी देखो कितना प्यार करती है कल मिलने का वादा करके मैं निकल गया वो मेरे को रोकी जा रही है नहीं रुक सकता मैं मेरे को जाना है जाने दे मेरे को आ गए पानी का मग लेके मेरी मौत का तमाशा देखने मेरे डर का तमाशा देखने मेरे को बड़ा गंदा लगता है ये काम घर में में आके मेरा एक पैर पानी में डाल के उसको अच्छे से धोया जाता है ऐसा नहीं है कि ठंडा पानी गर्म ही कर लूं गर्म नहीं करना है तो हल्का सा डाल के बाहर निकाल दो धुल जाएगा मगर नहीं आराम से मजे लेने हैं अब मेरा दूसरा पैर भी डाल दिया बहुत गंदा काम लगता है मेरे को बोरिंग काम लगता है और ऐसा नहीं है कि ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए मेरे पैर धो रहे हैं खुद की सुविधा के लिए मेरे पैर धो रहे हैं कि इनका बेड गंदा ना हो इनका सोफा गंदा ना हो इनके कपड़े गंदे ना हो तो अच्छे से मेरे पैरों को धोया जा रहा है चलाक कहीं के हाँ ये वाला काम सही है जब मेरे पैर सुखाए जाते हैं फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पैर सूख गए नहीं तो गिला गिला थंदा थंदा गंदा गंदा हाथ पैर धोने के बाद मुझे मेरे पापा का इंतजार होता है क्योंकि फिर मुझे ट्रीट मिलती है कैल्शियम बॉन्ड ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है कैल्शियम वाली हड्डी और ये मेरी फेवरेट है और ये मेरे को ट्रीट सिर्फ सुबह सुबह ही मिलती है एक हड्डी मैं इनको बोलता रहता हूँ और खिला दो और खिला दो मगर ये मेरे को एक ही खिलाते हैं इसको भी तड़पा तड़पा के खिलाते हैं क्योंकि अगर मेरे को इन्होंने डायरेक्ट दे दी तो फिर मैं खाता भी नहीं हूं मैं भी बड़ा चलाकूं मगर कोई ना ये मेरे को अपने पैसों की धोंस दिखाते हैं ना जिस दिन मैं बड़ा हो गया मैं पैसे कमाने लग गया फिर बताऊंगा मैं इनको मेरी मम्मी के पेट में एक बेबी पल रहा है और वो आराम कर रही है सुबह सुबह

खुद का ब्लॉग खुद ही बनाया है और खुद ही टीवी पे लगा के देख रहे हैं देखना मैं तो फिर से थक गया अब हो गया मेरा स्नैक्स टाइम मैं खा रहा हूँ बिस्किट इसमें ना हड्डी की शेप है हड्डी कुछ नहीं है सिर्फ मैदा ही मैदा है ये आम 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 इसी से काम चलाना पड़ेगा प्यासा नो बिता अब मेरा मुंह साफ करने के लिए ये देखो तौलिए से साफ कर रहे हैं कि मैं पर्दे और मैट से साफ ना करूं आ जाओ फ्रेंड्स मेरे साथ सन बात ले लो ठंडा मौसम है तो अच्छा लगता है धूप में बैठना मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ आप भी आ जाओ दिन भर में, में मेरा काम यही होता है की मैं जगह बदलू और सो जाऊं जगह बदलू और सो जाऊं दादी इस गाय को कहीं कुछ स्पेशल तो नहीं खिला रही बड़े मस्ती से खा रही है मेरे लंच का टाइम हो गया है बेवकूफो क्या कर रहे हो खिला दो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे मेरे लिए अंडे आ गए हैं खाना सीधा अंडा खाने में मुझे प्रॉब्लम होती है तो पापा मेरे को अंडे को ऐसे चूर के चूरी बना के देते हैं और फिर मैं घपड़ घपड़ खपड़ 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 घपड़ खा जाता हूँ गली में कोई गुजर रहा है मैं तो फिर से थक गया सो जाता हूँ दोपहर की वॉकिंग दोपहर को बाहर जाने का टाइम हो गया है सुसु टाइम चलो चलो लेके चलो मेरे को ड्रामे मत किया करो मेरे साथ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर मैं ना होता तो इन जो पौधे हैं इनको पानी कौन देता ये तो बेचारे मर ही जाते चलो छत की भी घूमी घूमी कर ही लेते हैं आज ये देखना मेरे को कैसे बुलाने पे लगी हुई है मगर मैं नहीं आऊंगा ये मेरी फेवरेट जगह है मैं तो फिर से थक गया हेरा दादी और मम्मी के साथ बैठ के मैं भी टीवी देख रहा हूँ नींद नींद मुझे अपने बिस्किट से अच्छे ना इन इंसानों के बिस्किट लगते हैं ये बड़े अच्छे अच्छे यमी यमी अलग अलग तरह के बिस्किट खाते हैं बहुत मजा आता है इनको खा के मेरे वाले बिस्किट में वो मजा वो मीठा वो टेस्टी नहीं है पर ये कभी कभी देते हैं मेरे को खाने के लिए मैं बॉस बेबी मेरे अच्छे से खुजली करो हाँ गर्दन पे करो गर्दन पे करो हाँ आराम से करो आराम से, से। आ, देखा क्यूटनेस का फायदा सोच रहा हूँ भोगने की शक्तियों का फायदा उठाऊ मैंने जन्मों के बाद के दिखाया तो मुझे ट्रीट मिली स्नैक्स ये वाली हड्डी भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये मेरी स्नैक्स है येलो स्नैक्स ए पापा मैं तेरे लिए भौंका मेरे को बेड पे उठा ना ए, ए मेरे पापा मेरे को बेड पे उठाओ ना प्लीज उठा लो शिट कोई फायदा नहीं हुआ क्यूट बनने का हाँ। बेड पे बैठ के अपनी टांग चाट लेता हूँ और क्या करूँ हाँ, अब मनाने के लिए मेरे को रेड वाली स्नैक दे रहे हैं बड़े चलाक हैं ये शाम हो गई है तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है ये मेरे को ना कपड़े पहनाने के लिए बुला रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा मेरे को नहीं पसंद ए, ये डैडी ना ये नहीं मेरे को जीने देगा कहीं भी अब मेरे को उठा के यहाँ रख देंगे मैं कर भी नहीं सकता ना कुछ इनका मेरे पास अगर कोई हथियार हो ना कुछ चाकू हो इनके पेट में मार दूँ अब ये मेरे को ज़बरदस्ती ये पहनाएंगे देखना मेरे को पसंद नहीं है पहनना मैं क्या करूँ इतना अच्छा लगता हूँ मैं बिना कपड़ों के मगर नहीं इनको कपड़े पहनाने हैं पहना लो यार पहना लो कर लो कर लो अपनी ख्वाहिशें पूरी डाल दो मेरे हाथ इसके बीच में अब अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का कपड़े पहना दिए मुझे हर बार का मैंने नहीं पहने कपड़े क्या अंगूठा दिखा रही है मुझे नहीं पसंद इस दरी में बिठा दिया बताओ मैं क्या करूं कपड़े भी पहना दिए अगर नहीं लेके जाना था तो मेरे को कपड़े क्यों पहनाए जवाब दो अब लो अब पिज्जा नानी का ब्लॉग लगा लिया है अब वो देखने लग गए लेके नहीं जाएंगे चलिए, काली काली वो आ गई है काली हेलो काली कल कल काली 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 चलो चलो भागते हैं पापा भागो

बहुत टेस्टी है बहुत यमी है अम नम 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 दादी को इग्नोर नहीं करना चाहिए दादी बीमार है तो उनको प्यार करने के लिए मैं उनके पास पहुंच गया हूँ मेरे को क्या करना है मेरे को जस्ट बैठना है प्यार उन्होंने करना है उनका प्यार ही मेरा वापस में रिटर्न प्यार होता है बस मुझे इतना करना होता है अब ये देखो इन्होंने फिल्म लगा लिया है और मेरे को बोर कर रहे हैं मेरे को नींद आ रही है वापस लेके चलो ना बेड पे मगर नहीं यहाँ बैठ के इनको फिल्म देखनी है मूवी देखनी है ये टीवी लगवाया क्यों है इन्होंने मैं तो बोर हो गया मैं थक गया मुझे नींद आने लग गई भाई बोरिंग फिल्म बेकार फिल्म घटिया फिल्म मत देखा करो अब मजा आएगा ना बीडू मैं पहुंच गया हूँ बेडरूम पे अब मेरे कपड़े उतारे जा रहे हैं क्योंकि रात को को ना मेरे को फिर गर्मी भी लगने लगती है बीच में तो दोस्तों ये था मेरा डेली रूटीन होप सो आपको मेरा डेली रूटीन पसंद आया होगा तो मैं रात की तरह फिर इसी तरह सो गया हूँ ये मेरी फेवरेट पोडिशन है काटा बाबा गुड नाइट लव यू दुआ में याद रखना आपका फेवरेट नोबिता